की रसोई में आज बन रही है बची हुई रोटी के हलवा। देखिए ये कितना अच्छा है, कितना टेस्टी, कितना मजेदार है। इस वीडियो के लास्ट तक देखिए, एक एक करके डिटेल से मैं बताऊंगी। हेलो फ्रेंड, मीना की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी बची हुई रोटी की हलवा। इस वीडियो के पूरा देखिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक कीजिए। तो चलिए हलवा बनाना स्टार्ट करती हूँ। बची हुई रोटी के हलवा बनाने के लिए चार रोटी ले लिए है, एक कंची ले लिए है, एक प्लेट ले लिया है। रोटी की इस तरह से फोल्ड करेंगे, बारीकी से इस तरह से रोटी काटेंगे। सारे रोटी इसी तरह काट लेंगे। सारे रोटी बारीकी से काट लिए है, एक मिक्सचर के जार ले लिए है। ये बारीकी कटी हुई रोटी इसमें डाल लेंगे। बारीकी कटी हुई रोटी इसमें डाल लिया है, इसमें ढक्कन लगा लेंगे। रोटी के बारीकी से पीसकर पाउडर बना लेंगे। ढक्कन खोल लेंगे, ये बारीकी से पीसकर पाउडर बना लिए है। पाउडर के प्लेट में डाल लेंगे। एक प्लेट ले लिए, इस प्लेट में पाउडर डालेंगे। सारे पाउडर प्लेट में डाल लिए हैं। चार स्पून साबुत चीनी ले लिए हैं। चीनी के जार में डाल लेंगे, इसमें ढक्कन लगा लेंगे। इसे बारीकी से पीसकर पाउडर बना लेंगे। चीनी को पीसकर पाउडर बना लिए हैं, इसे एक कटोरी में डाल लेंगे। सारे पाउडर इस कटोरी में डाल लिए हैं। फ्राई पैन चूल्हे पर चढ़ा लिए है, चूल्हे की जला लेंगे। फ्राई पैन को गर्म होने देंगे। फ्राई पैन गर्म हो गई है, ये दो स्पून देसी घी है, घी इसमें डाल लेंगे। घी के गरम कर लेंगे। घी गरम हो गई है, ये रोटी की बारीकी से पीसी हुई पाउडर है, इस पाउडर की इस फ्राई पैन में डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गई है, इसे इस तरह से चला चला के अच्छे से भूनेंगे। इस पाउडर को तेज आंच पर नहीं भूनेंगे, कम आंच पर भूनेंगे। तेज आंच पर भूनेंगे तो नीचे से जल जाएगी, अंदर से अच्छे से नहीं भुजाएगी, इसलिए इसे कम आंच पर भूनेंगे। जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही अच्छा हलवा बनके तैयार होगा। कलर डाउन होने तक इसे भूनेंगे। इसका कलर डाउन हो गई है, इसे अच्छे से भून लिए है। इसमें की बहुत अच्छा खुशबू आ रही है। दो स्पून नारियल का बुरुदा है, इसमें डाल लेंगे। इसे मिक्स करेंगे। इसे मिक्स कर लिए है। उबाली हुई एक गिलास दूध है, थोड़ी थोड़ी दूध इसमें डालेंगे, सारे दूध एक बार नहीं डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे, इस तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी थोड़ी दूध डाल के मिक्स करेंगे। ये बची हुई दूध बाद में यूज करेंगे। ये आधी स्पून इलायची पाउडर है, इसमें डाल लेंगे। इसे मिक्स करेंगे। ये थोड़ी सी फ्रूट कलर है, इसमें डाल लेंगे। इसे मिक्स करेंगे। कलर डालने से ये देखने में अच्छा लगेगी। बची हुई दूध इसमें डाल लेंगे, सारे दूध इसमें डाल लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इस तरह से मिक्स करेंगे। ये चीनी पाउडर है, इसमें डाल लेंगे सारे पाउडर। इसे मिक्स करेंगे, इस तरह से मिक्स करेंगे अच्छे से। चीनी पाउडर अच्छे से मिक्स कर लिए है। एक स्पून देसी घी है, इसमें डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। घी अच्छे से मिक्स हो गई है। ड्राई फ्रूट के छोटी छोटी काट लिए है। ड्राई फ्रूट में काजू है, बादाम है, किशमिश है, थोड़ी खरबूजा का बीज है। ये सारे ड्राई फ्रूट के इस हलवा में डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे। इस हलवा के एक से दो मिनट और पका लेंगे। दो मिनट हो गई है, हलवा को अच्छे से पका लिए है। हलवा को नीचे उतार देंगे, गैस के कर देंगे बंद। हलवा को नीचे उतार दिए, इसे प्लेट में डाल देंगे। प्लेट में निकाल लिए, इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा लेंगे। इसमें ड्राई फ्रूट लगा लिए है, आप अपने मन पसंद ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। बची हुई रोटी के हलवा बनके रेडी हो चुकी है। घर में बनाइए, टेस्ट कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे अगले वीडियो आप तक पहुंच पाए। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जब तक अपना और अपनों के ख्याल रखिए। नमस्कार।